नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे। आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग अपडेट मिलते रहेंगे। और हम बनाएंगे, आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में काजू कतली की। और काजू कतली बनाने के लिए हमें क्या क्या लगे थे, चलिए देख लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले कि हम काजू को पीस लेते हैं। जो हमने काजू लिया है, देखिए काजू को हमने पीस लिया। इस तरीके से हमें काजू को पीस लेना है। और आपके पास जो भी छन्नी है उससे आपको इसको छान लेना है। जो हल्का सा मोटा काजू बचेगा तो उसका आप दूसरा आइटम, और इसको हमने जो कि जूस छन्नी है 1.5 नंबर की, उससे छाना हमें। से हमारा 1.5 नंबर का आटा इस तरीके से हो जाना चाहिए। या तो आप इसको दोबारा पीस लेना, या नहीं पीसना है तो इसको आप ग्रेवी वगैरह के पेस्ट में डाल सकते हैं, ग्रेवी बनाएंगे तो। और ये देखिए इस तरीके से हमारा बढ़िया हो जाएगा जब हम छान लेंगे तो। हम जो कि 800 ग्राम काजू लिया है और इसको पीस लिया है, होल या टुकड़ी जो भी काजू आपके पास वो आप ले सकते हैं। और चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। जो कि हमने काजू तो पीस लिया था, जो कि हमने 800 ग्राम काजू लिया था, और इस हमने 250 ग्राम पानी लिया है, 250 ml पानी, और शक्कर लिए 600 ग्राम, काजू लिया है 800 ग्राम, और दूध डालेंगे 30 से 40 ग्राम। दूध इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने चाशनी बनाएंगे। इस चाशनी के लिए हमारे लिए ये देखिए जो ml हमारा गिलास है 150 ml का है, और इसमें हमने 250 ml डाला है पानी, और 600 ml सॉरी 600 ग्राम शक्कर। और ये देखिए दूध इसलिए डालते हैं, और ये देखिए जो चाशनी का कालापन होता है, मैल होता है चाशनी का, शक्कर का जो मैल होता है सॉरी, वो कट जाता है दूध डालने से, और हमारी चाय जो हम चाशनी बना रहे हैं पूरी वाइट हो जाएगी। इस तरीके से इसका हम बना लेंगे चाशनी के लिए। आप लोग जैसे बता रहे वैसे ही बनाना। ये देखिए ये हमारी जो चाशनी है, 3-4 तार छोड़ने लग जाएगी हाथ में, जब हम लेंगे तो 3-4 तार छोड़ने लग जाती है। अभी चाशनी हो गई है, देखिए 3-4 तार बनने लग गए हमने जो कर रहे। ये 3-4 तार जैसे बनने लग जाएंगे तो जो हमारा काजू है वो इसके अंदर हम छोड़ देंगे, डाल देते हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया कि इसको हम पीस के रखा था। और आप लोग इसको गला के मत पीसिएगा, अगर आप गला के पीसते हैं तो आपका उसमें क्या होगा कि बहुत पतला हो जाएगा, तो आप मिक्सर में आपका पिसाएगा नहीं बराबर, और पिसाएगा तो आपको उसमें पानी ज्यादा डालना पड़ेगा। तो आप हो सके तो ड्राई ही पीसना बगैर गलाए काजू के लिए। और ये आप लोग, 800 ग्राम काजू लिया था हमने, 600 ग्राम शक्कर, 150 ग्राम पानी, 30 से 40 ml मिल्क चाशनी साफ करने के लिए, और इसको 10 से 12 मिनट पकाना है काजू डाल के, और ये हमारा रेडी हो जाएगा। जब भी हमारा काजू पक जाएगा हो जाएगा जब भी हमारा काजू पक जाएगा, जब हम हाथ में लेंगे हल्की गोली बनाएंगे तो हाथ में वो गोली बन जाएगी, हाथ में चिपकेगा नहीं ये। ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, और इसको निकालने के बाद में हम इसके हम काजू कतली बनाएंगे। तो आप लोग बता रहे थे कि जैसे आपके लिए कोई रोल बनाना है और ये हार्ड टाइट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा जब, तो ये टाइट हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा दूध डालना है, 10 से 12 ग्राम दूध डाल देंगे, और उसको आटे की तरह अच्छे से मैश कर लेंगे, और फिर उसका आपको जो भी उसके अंदर स्टफिंग करना है आप कर सकते हो। और हम बना रहे हैं काजू के, काफी आइटम आने वाले हैं, 2-3 आइटम आप लोगों को मिलने वाले हैं काजू के। चलिए हम काट लेते हैं।
चांदी वर्क, जो चांदी वर्क लगाएंगे हम, ये देखिए इस तरीके से पकड़ना है इसके लिए, जो हमने हल्का सा पेपर मोड़ के पकड़ा हुआ है हाथ में, हाथ अंगूठे के पास में देखिए, इसको हमने मोड़ा हुआ है कागज को और ऐसे पकड़ा है, और ये इस तरीके से हम लगा लेंगे, ये देखिए। और चलिए हम काट लेते हैं काजू कतली के लिए, और इस तरीके से आपको काटना है, ये देखिए हमने पहले से एक खड़ी काटा हुआ था, अब इसमें इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। जैसे आप लोगों बताए वैसे काटिएगा, ये देखिए पहले हमने सीधा काटा फिर हमने तिरछा काटा, तो ये हमारा ट्रायंगल शेप में आ रहा है, ये देखिए डायमंड शेप बन रहा है, ये हमारी काजू कतली रेडी। ये देखिए कितने प्यारे पीस निकले, इस तरीके से आप लोग काट सकते हैं। और हमारी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिलते रहेंगे। और आप लोगों में लिंक दे दूँ काफ़ी आइटम की, काफ़ी स्वीट डाली इसमें, आप लोगों सभी की लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा। और 5 प्रकार की ग्रेवी, सेव भाजी काफ़ी बढ़िया है, और इसमें हमने काफ़ी थाली भी डाली, आप लोग जाके चेक कर लीजिए, और एक आप लोगों स्पेशल थाली और आने वाली है। तो चलिए हमारी रेसिपी आप लोग अच्छी लगी तो लाइक, चलिए हमारी रेसिपी आप लोग अच्छी लगी तो लाइक, चलिए हमारी रेसिपी आप लोग अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। और आप लोगों द्वारा बता देता हूँ कि हमने 800 ग्राम काजू लिया था, 600 ग्राम शक्कर, 250 ml पानी डाला है, और इसके अंदर 20 से 30 ml मिल्क, और इसको हमने 15 मिनट समथिंग पकाया है काजू डालने के बाद। और आप लोगों बताया कि हाथ में आप लेंगे जब भी आपका पक जाएगा तो हाथ में चिपकेगा नहीं, जब आप गोली बनाएंगे तो। थैंक यू, धन्यवाद।